Anthony Horse. तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मेरा, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अंधराई है। परमात्मा को तो शायद किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमात्मा की जो प्रतिकृति प्रकृति है उसको सबने देखा है। और ये प्रकृति का असूल है कि उसके साथ खिलवाड़ की तो तांडव करती है। उसने वो कल दृश्य दिखा दिया कि जो तालाब परसों तक सूखा था, मात्र 24 घंटे में अपने तालाब ने पानी भर के बता दिया कि मेरी सीमा क्या है। आप कानून कागज पर कुछ भी लिखें, प्रकृति ने बता दिया कि मेरी सीमा ये है, मेरा शरीर ये है। चूंकि इस प्रकरण में एनजीटी ने आदेश दिया है कि एफ डब्ल्यू टी हाई फ्लड लेवल जो भी होगी उससे 60 मीटर दूर निर्माण कार्य करना पड़ेगा। प्रशासन आज दिन तक इसकी न तो कचरा मुक्ति करवा रहा था, न ये डिसाइड कर रहा था कि फ्लड लेवल क्या है। और फ्लड लेवल अब तय हो गया, अब इससे मुक्ति करके 60 मीटर दूर ये भवन बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि न्यायालय के आदेश का पालन न्यायालय नहीं करेगा तो संविधान की इससे बड़ी धज्जियां कोई नहीं उड़ा सकता। हम लोग पिछले 8 महीने से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने ही संघर्ष समिति बनाई है और कल सुबह 9 बजे से हम लगातार पानी के अंदर बैठे हुए हैं और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि कोर्ट या सरकार अपना फैसला वापस बदल ना ले और इस तालाब को बचाने के लिए आगे ना आए। लगातार 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। राहगिरी 8 दिन के राहगिरी आंदोलन के बाद 2 दिन से जल सत्याग्रह, माननीय एनजीटी न्यायालय आदेशों के पालनार्थ जल सत्याग्रह किया जा रहा है। पिपलेहना तालाब बचाओ समिति, इंदौर शहर के सभी निवासी यहां पर पहुंच रहे हैं और आज तालाब का एक नया रूप दिखने में आया है। जो इस तालाब को बचाना नहीं चाहते हैं, जो इस तालाब को खत्म करना चाहते हैं, आज उनकी आंखों का एक ऐसी चीज बन चुकी है जो उनको खटक रही है कि यार ये रियली में बहुत बड़ा तालाब है, अब जनता को ये क्या जवाब देंगे। पिपलेहना तालाब बचाओ समिति लगातार संघर्ष जारी करके यहाँ पर लगातार जल सत्याग्रह कर रही है और इसमें आज राव विधानसभा के काफी लोग इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं जो आज 24 घंटे यहाँ पर जल सत्याग्रह में रहेंगे। आंदोलन कब तक रहेगा जल सत्याग्रह? भैया जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या ऊपर से कोई आदेश नहीं आ जाता इस तालाब को बचाने के लिए सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, जब तक यहाँ से आंदोलन से नहीं हटते। युवा कांग्रेस लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रही है तालाब को बचाने के लिए, काफी संघर्ष कर रही है युवा कांग्रेस। आज राव विधानसभा की युवक कांग्रेस जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर हम सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे भी उनके निर्देश अनुसार हम यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे और काफी संघर्ष चल रहा है, लोगों को काफी समर्थन मिल रहा है तालाब बचाओ समिति को। अब